ऑल राइट, ठीक है। पिछली क्लास में हमने यूडीपी किया था, अगले सेशन में हमने टीसीपी स्टार्ट करने पर, उससे पहले आज बेसिकली हमारा टॉपिक है कि पैकेट लॉस को और पैकेट करप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स में। उसके लिए हम एक ब्रॉड कैटेगरी देखेंगे एआरक्यू प्रोटोकॉल्स की, जिसमें स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट हमने आज कवर करना है। एक्चुअल टीसीपी में क्या होता है वो फिर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो पहली चीज तो है कि एरर अगर डिटेक्ट हो रिसीवर एंड पे तो रिसीवर करता क्या है। एक ऑप्शन होती है कि वो कुछ भी नहीं करेगा और उस पैकेट को या फ्रेम को ड्रॉप कर देगा। दूसरी ऑप्शन होती है कि जो पैकेट रिसीव हुआ है और उसमें कोई करप्शन थी तो उसी पैकेट के अंदर डेटा अवेलेबल होगा जिसके थ्रू उस करप्शन को ठीक किया जा सके और उस करप्शन से ओरिजिनल डेटा जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सके। और तीसरी ऑप्शन रीट्रांसमिशन की होती है कि अगर पैकेट करप्ट हुआ है या लॉस हुआ है तो सेंडर उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर देता है। तो इन तीनों पे हम ब्रीफली टच करते हैं। पहले तो डू नथिंग वाली अप्रोच में क्या होता है कि बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा उस सेंडर को, रिसीवर जो है पैकेट ड्रॉप कर देगा और कोई और फर्दर स्टेप नहीं लेगा, ठीक है। तो इसकी मंतक क्या होती है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि बेसिकली आपका प्रोटोकॉल जो है, आपकी जो लेयर है वो डिसाइड करती है कि मैंने अगर एरर डिटेक्ट किया भी है तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे से ऊपर वाली लेयर जो होगी, जो हायर लेयर प्रोटोकॉल होगा, वो इस पैकेट लॉस को जो है हैंडल कर लेगा, ठीक है। यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और लेयर के ऊपर डाल देते हैं। तो इसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोटोकॉल है, फ्रेम रिले है, उसमें यही अप्रोच है कि अगर पैकेट लॉस डिटेक्ट होती है, तो पैकेट एरर डिटेक्ट होता है, तो वो उस फ्रेम को ड्रॉप कर देगा और अज्यूम करेगा कि अगर ये फ्रेम इंपॉर्टेंट था तो हायर लेयर पे टीसीपी जो है या एप्लीकेशन लेयर, वो इस फ्रेम को दोबारा से रिट्रांसमिशन इसकी रिक्वेस्ट कर लेगा, मुझे कुछ नहीं करना। दूसरी ऑप्शन है एरर फिक्सिंग की, कि आपका जो पैकेट होता है उसके अंदर रिडंडेंट डेटा इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इस रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को एरर करेक्शन कोड कहते हैं। और इन दिस केस क्या होता है कि आपके पास टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं जो कि इस रिडंडेंट इंफॉर्मेशन से ओरिजिनल डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल है हैमिंग कोड्स का, जिसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर यह इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली आपकी अगर इंटरैक्टिव वीडियो ट्रैफिक है तो उसमें भी इस तरीके की अप्रोच इस्तेमाल की जाती है कि आपका मल्टीपल जो पैकेट्स आ रहे हैं उनके बीच में डेटा का कुछ ओवरलैप हो सकता है। यानी मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरा जो पैकेट ट्रांसमिट होगा अगले पैकेट में पिछले पैकेट की भी कुछ मिली सेकेंड की रिकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसमिट कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पैकेट लॉस हुआ है तो क्योंकि रिडंडेंसी थी, इसलिए आपके पैकेट में पिछले पैकेट की कुछ इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, तो वो आप इस्तेमाल कर लेंगे और पिछला पैकेट जो है वो फिर इग्नोर कर देंगे। तो ये एरर फिक्स करने की कुछ टेक्निक्स हैं। तीसरी जो अप्रोच है वो रीट्रांसमिशन की है। और जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो हम बेसिकली इस अप्रोच पे फोकस करते हैं। रीट्रांसमिशन में क्या होता है कि अगर कोई एरर डिटेक्ट हुआ है, यानी पैकेट में करप्शन हुई है या फिर पैकेट लॉस हुआ है, तो एक ऑप्शन तो है कि रिसीवर जो है वो एरर मैसेज ट्रांसमिट कर देगा या कोई भी मैसेज ट्रांसमिट कर देगा जिससे सेंडर को पता लग जाए कि पैकेट या तो ठीक रिसीव हुआ है या फिर ठीक रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। या फिर टाइम आउट पीरियड होता है, टाइम आउट पीरियड तक इंतजार करता है सेंडर, और उस टाइम आउट पीरियड के अंदर अगर रिसीवर की तरफ से मैसेज ना आए कि पैकेट रिसीव हो गया था तो सेंडर ज्यूम कर लेते हैं कि पैकेट पर लॉस ही हो गया होगा, ठीक है। और इन दैट केस क्या होता है कि या तो एरर मैसेज रिसीव हुआ है इन दैट केस, या फिर टाइम आउट हुआ है इन दैट केस, तो सेंडर क्या करता है कि उस पैकेट को दोबारा से रीट्रांसमिट कर देता है। ये काम जो है डेटा लिंक लेयर पे भी हो सकता है, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है जो कि मोडेम और आईएसपी को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें ये अप्रोच इस्तेमाल होती है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है टीसीपी, वो भी यही अप्रोच इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इन केस अंडरलेइंग प्रोटोकॉल्स कोई भी ये अप्रोच नहीं कर रहा रीट्रांसमिशन वाली, तो इन दैट केस डेवलपर के पास ऑप्शन होती है कि वो एप्लीकेशन लेयर पे, यानी अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोड इम्प्लीमेंट करे कि अगर कोई पैकेट करप्ट हुआ है या लॉस हुआ है तो सेंडर जो है उस पैकेट को रीट्रांसमिट करता है।
ठीक है, तो यानी तीनों लेयर्स पे ये काम हो सकता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे और एप्लीकेशन लेयर पे। एक चीज होती है, एक सवाल लोग करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर एरर हैंडलिंग हो रही है, यानी टीसीपी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें एरर हैंडलिंग हो रही है, तो इन दैट केस डेटा लिंक लेयर पे एरर हैंडलिंग करने का फिर फायदा क्या है? ठीक है, तो उसका मकसद ये होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एंड टू एंड है, यानी अगर पैकेट लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो एंड लेयर बेसिकली होगा क्या, आपके एंड से दूसरे एंड तक एक पैकेट जा रहा है, अगर बीच में करप्शन हुई है या लॉस हुआ है तो अब एटलीस्ट एक राउंडेड टाइम लगेगा उस चीज के बारे में पता चलने में, ताकि सेंडर जो है एक राउंडेड टाइम के बाद दोबारा उस पैकेट को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि इन सम केसेस आपका अंडरलाइंग लिंक जो है वो बहुत ही ज्यादा नॉइजी और एरर प्रोन हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज आपने एक पैकेट ट्रांसमिट किया है किसी सर्वर को, cnn.com को लेट सपोज, और आपका जो डायरेक्ट लिंक है, यानी आपका कंप्यूटर किस चीज के साथ कनेक्टेड है, एक वायरलेस राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो वायरलेस राउटर जो है वो उसमें बहुत ज्यादा नॉइज और एरर की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप एरर हैंडलिंग सिर्फ करेंगे तो मसला क्या होगा कि आपके बहुत ज्यादा पैकेट लॉस हो रहे होंगे आपके वायरलेस लिंक के ऊपर, पर आप रिएक्ट तब भी करेंगे जब तक आपकी एक राउंड ट्रिप टाइम से पहले आप रिएक्ट नहीं कर सकेंगे, यानी आपका पैकेट सीएनएन तक पहुंचेगा और वहां से रिस्पॉन्स वापस आएगी तब भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे एरर हैंडलिंग कर रहे हो। अगर आप डेटा लिंक लेयर पे एरर हैंडलिंग कर रहे हो तो इसका फायदा क्या है कि आपके कंप्यूटर ने वायरलेस राउटर को एक पैकेट भेजा है, अगर उस पैकेट में करप्शन हुई है या लॉस हुई है तो वो पूरे एक राउंड ट्रिप टाइम का इंतजार नहीं करेगा, वो आपका जो डायरेक्ट लिंक है उस पे फौरन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी उसी लिंक के ऊपर वो रीट्रांसमिशन करेगा टिल सच टाइम कि आपका पैकेट ठीक तरीके से वायरलेस राउटर तक नहीं पहुंच जाता, और एक बार पहुंच जाते तो फिर आप उसे आगे ट्रांसमिट कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि हॉप बाय हॉप अगर आपका एरर कंट्रोल हो रहा है तो आपका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होगा, यानी आप एक मिली सेकेंड या उससे भी कम के अंदर रिकवर कर जाएंगे। पर अगर आपने डेटा लिंक लेयर पे नई एरर हैंडलिंग की और आपकी एंड टू एंड एरर हैंडलिंग यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो रही है, तो इन दैट केस आपको पूरा एक राउंड ट्रिप टाइम बल्कि उससे भी ज्यादा लगेगा एरर से रिकवर करने में। और अगर आपका डेस्टिनेशन जो है वो एक एंड पाकिस्तान में, दूसरा एंड आपका यूएस में, तो ऑब्वियसली वो फिर बहुत ज्यादा राउंड ट्रिप टाइम लगेगा, यानी 200 मिली सेकेंड तक, उससे ज्यादा भी हो सकता है रिएक्ट करने में। तो इसलिए यूजली स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो करते ही एरर हैंडलिंग, और उसके अलावा अगर कोई अंडरलाइंग लिंक ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन का चांस है तो आप उसके ऊपर भी एरर कंट्रोल ऐड कर देते हैं। यानी अगर आपका वायरलेस राउटर है तो वायरलेस का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर एरर हैंडलिंग होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका कोई फाइबर ऑप्टिक का प्रोटोकॉल है, अंडरलाइंग लिंक है, तो उस प्रोटोकॉल में चांसेस आर एरर हैंडलिंग ना हो रही हो, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक में एरर का चांस जो है वो बहुत ही कम होता है, यानी करप्शन का चांस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फिलॉसफी है कि दोनों लेयर्स के ऊपर आप क्यों एरर हैंडलिंग कर रहे होते हैं। ओके, अब हम बेसिकली फोकस करेंगे रीट्रांसमिशन बेस्ड एरर कंट्रोल पे, और हमारा आज का पूरा लेक्चर जो है वो इसी पे होगा, और टीसीपी की जब हम बात करेंगे अगले सेशन में तो उसमें भी हम रीट्रांसमिशन बेस्ड एरर कंट्रोल पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है एक ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का, या ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी, इसको ARQ भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रॉड क्लास ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो एरर कंट्रोल करते हैं यूजिंग डेटा रीट्रांसमिशन। ठीक है, इसमें बेसिक आइडिया क्या होता है कि आपने कोई भी पैकेट ट्रांसमिट किया है, ठीक है, तो आप जो रिसीवर है वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट बता रही होती है कि पैकेट ठीक तरीके से रिसीव हुआ है। ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुई तो, और तो इन दैट केस जो सेंडर है वो एक टाइम आउट पीरियड तक इंतजार करता है, और उस टाइम आउट पीरियड में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुई तो उसे समझ आ जाती है कि पैकेट या तो लॉस हो गया है या कोई सम आओ उसकी रिस्पॉन्स नहीं आ रही, तो इन दैट केस क्या करेगा, वो टाइम आउट होने के बाद दोबारा से उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर देगा।
ठीक है, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल्स ये अप्रोच फॉलो करते हैं। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है और दूसरी कैटेगरी जो है वो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट जो है रिप्रेजेंटेटिव प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो पहले स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है कि आपका सेंडर जो है सिर्फ एक पैकेट ट्रांसमिट करता है और फिर रिसीवर की एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करता है। अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो फिर अगला पैकेट ट्रांसमिट करेगा, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो एक टाइम आउट पीरियड तक इंतजार करेगा, उसके बाद सेंडर जो है वही वाला पैकेट रिट्रांसमिट कर देगा। इसकी नॉर्मल वर्किंग देखें, लेट सपोज सेंडर ने फ्रेम जीरो ट्रांसमिट किया है जो कि रिसीवर एंड पर रिसीव हो गया, रिसीवर क्या करेगा, फ्रेम जीरो को जो है सेंड कर देगा एप्लीकेशन लेयर को और एट द सेम टाइम वो एक्नॉलेजमेंट नंबर वन ट्रांसमिट करेगा। वन का क्या मतलब है कि बेसिकली रिसीवर सेंडर को कह दे कि अब मुझे जो पैकेट चाहिए वो पैकेट नंबर वन होना चाहिए। ठीक है, तो सेंडर को जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी वो फ्रेम नंबर वन सेंड कर देगा, रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इस पैकेट को इसके अंदर जो भी डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर को दे देगा और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर जीरो भेज देगा, विच मीन्स कि अब वो कह रहे हैं कि मैं पैकेट नंबर जीरो का इंतजार कर रहा हूँ। और याद रखें ये जीरो पैकेट जो है ये पहले वाला दोबारा से पिछला जो पैकेट था वो नहीं है, ये बेसिकली आपके जितने भी सेंडर एंड पे पैकेट होंगे उनकी नंबरिंग इस तरीके से होगी, पहला पैकेट जीरो होगा, अगला पैकेट वन होगा, उससे अगला पैकेट दोबारा जीरो होगा, उससे अगले पैकेट का नंबर दोबारा वन होगा और इस तरीके से रेपिटेशन होगी सीक्वेंस नंबर्स की। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल वर्किंग है, जैसे एक्नॉलेजमेंट जीरो आएगी तो सेंडर जो है पैकेट नंबर जीरो ट्रांसमिट करेगा, उसकी जब एक्नॉलेजमेंट वन आएगी तो फिर अगला पैकेट विच इज पैकेट नंबर वन वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा और इस तरीके से आपके सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ओके, अब लेट्स सपोज कि आपका डेटा पैकेट जो है वो लॉस हुआ है, यानी सेंडर ने पैकेट जीरो भेजा वो रिसीवर तक पहुंच गया, रिसीवर ने एक्ट वन कर दिया। जैसी एक्ट वन रिसीव होगी सेंडर एंड पे, अब सेंडर क्या करेगा, पैकेट नंबर वन ट्रांसमिट कर देगा और लेट्स सपोज कि पैकेट नंबर वन लॉस हो गया। ये लॉस डेटा करप्शन की वजह से भी हो सकता है और ये लॉस अंडरलाइंग राउटर के ऊपर कंजेशन की वजह से, जो क्यू ओवरफ्लो होता है उसकी वजह से भी लॉस हो सकती है। खैर, तो लॉस हो जाएगी, रिसीवर तक पैकेट नहीं पहुंचेगा तो वो कुछ एक्नॉलेज कर ही नहीं सकता, तो अब रिसीवर कोई मैसेज नहीं भेजेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैंने मैसेज भेजना है। तो अब क्या होगा, सेंडर एक टाइम आउट पीरियड तक इंतजार करेगा, उसमें अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती तो सेंडर क्या करेगा, वही पैकेट यानी पैकेट नंबर वन जो है उसे रिट्रांसमिट कर देगा। अब लेट सपोज पैकेट नंबर वन जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, ठीक है, तो रिसीवर क्या करेगा, वो उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा और इस तरीके से फिर नॉर्मल फ्लो आपका रिज्यूम कर सकता है। ठीक है, ओके, अब अगली प्रॉब्लम है कि लेट सपोज डेटा फ्रेम तो पहुंच गया था पर आपके एक्नॉलेजमेंट जो है वो नहीं पहुंची। ठीक है, यानी इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि सेंडर ने पैकेट जीरो दिया, सेंड किया, वो पहुंच गया, रिसीवर ने पैकेट जीरो में जो डेटा था वो एप्लीकेशन को दे दिया और साथ ही एक्नॉलेजमेंट वन सेंड कर दी, विच मीन्स कि वो सेंडर को बता रहे कि अब मैं पैकेट नंबर वन का इंतजार कर रहा हूँ। सेंडर को जैसी एक्ट मिलती है वो पैकेट नंबर वन ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर को जैसी वो रिसीव होता है वो डेटा को एप्लीकेशन लेयर को दे देगा और एट द सेम टाइम एक्ट जीरो सेंड कर देगा, विच मीन्स कि वो सेंडर को बता रहा है कि अब मैं पैकेट नंबर जीरो का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, पर लेट सपोज एक्ट नंबर जीरो जो है वो लॉस्ट हो जाती है, यानी इवन दो डेटा पहुंच गया था पर उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, तो वंस अगेन सेंडर टाइम आउट पीरियड तक इंतजार करेगा, उस टाइम आउट पीरियड के अंदर अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो सेंडर क्या करेगा, उस पैकेट को रिट्रांसमिट करेगा, वो पैकेट जब रिसीवर को पहुंचेगा तो रिसीवर देखेगा उसके उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर वन है पर रिसीवर एक्सपेक्ट कौन सा पैकेट कर रहा था, वो पैकेट नंबर जीरो कर रहा था, तो रिसीवर समझ जाएगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली डुप्लीकेट है, वो उसे ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा और साथ ही एक्नॉलेजमेंट जीरो भेज देगा, विच मीन्स के वो सेंडर को कह रहे कि मैं पैकेट नंबर जीरो का इंतजार कर रहा हूँ। अब वो एक्नॉलेजमेंट जैसे ही सेंडर एंड पे पहुंच जाती है
और लेट्स सपोज ये वाली एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट नहीं होती, तो इन दैट केस सेंडर जो है अब पैकेट नंबर जीरो को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या है कि नंबरिंग डेटा फ्रेम्स जो है, डेटा फ्रेम को नंबर करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इस एग्जाम्पल में हमने डेटा फ्रेम्स को नंबर ना किया होता तो प्रॉब्लम क्या होनी थी कि वो पैकेट जो रीड डुप्लीकेट पैकेट रिसीव हुआ है तो रिसीवर को पता ना होता कि ये डुप्लीकेट है और वो उस पैकेट के अंदर जो डेटा है उसे भी एप्लीकेशन को ट्रांसमिट कर देता, जबकि दैट शुड नॉट बी द केस। रिसीवर एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि अगर पैकेट कोई डुप्लीकेट पैकेट रिसीव हुआ है तो उसको डिस्कार्ड कर दे। तो ये डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करने के लिए आपका जो जो आपकी स्कीम है वो बेसिकली नंबर्स इस्तेमाल करती है, हर पैकेट को एक आईडी असाइन करती है जो कि जीरो और वन होगी। सिमिलरली जो एक्नॉलेजमेंट है उन्हें भी नंबर करना लाजमी है, यानी पिछले एग्जांपल में तो हमने डेटा पैकेट को नंबर किया था, ठीक है, और हमने शो किया कि डेटा पैकेट को नंबर करना लाजमी क्यों है। इस एग्जांपल में हम शो कर रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट को नंबर करना भी लाजमी है। क्यों? क्योंकि लेट सपोज इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, आपने पैकेट जीरो सेंडर ने सेंड किया और वो रिसीव हो गया और रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी है एक्ट वन, पर हुआ क्या है कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव होने से पहले पहले सेंडर जो है वो टाइम आउट कर जाता है। तो अब क्या होगा, सेंडर जो है उसी पैकेट को यानी पैकेट नंबर जीरो को रिट्रांसमिट करेगा और फिर एक्नॉलेजमेंट वन रिसीव होती है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट वन की बेसिस पे पैकेट नंबर वन भी भेज देगा। लेट सपोज पैकेट नंबर वन डिस्कार्ड हो गया है, सॉरी लॉस हो गया है, तो क्या होगा कि फ्रेम जीरो जब रिसीव हुआ था रिसीवर एंड पे तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी सेंडर को पता लग जाएगा कि ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये फ्रेम जीरो की है जो मैंने रिट्रांसमिट किया था, ये फ्रेम वन की नहीं है, ठीक है। वो समझ जाएगा, अगर नंबरिंग ना होती तो वो समझता कि ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है ये फ्रेम वन की रिसीव हुई है, विच इज नॉट द केस, क्योंकि फ्रेम वन तो लॉस हो गया। तो इसलिए एक्नॉलेजमेंट को नंबर करना भी लाजमी होता है ताकि सेंडर को पता लगे कि ये एक्नॉलेजमेंट जो है मेरे किस वाले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट है। अगला पॉइंट पिगी बैकिंग है। पिगी बैकिंग में क्या होता है कि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं उसमें या तो पैकेट डेटा पैकेट ट्रांसमिट होता है या एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट होता है। यूजली आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो इस तरीके से नहीं होती, वो टू वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आपका सेंडर जो है वो भी रिसीवर को कुछ सेंड कर रहा होगा और एट द सेम टाइम जो रिसीवर है वो भी सेंडर को कुछ सेंड कर रहा होता है, ठीक है। यानी अगर एक सिंपल एग्जांपल है एचटीएमएल का, तो एचटीएमएल में क्या होता है, हम जो पैकेट भेजते हैं उसके अंदर वेब सर्वर को हम किसी वेब ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी ये रिक्वेस्ट जो है ये डेटा है, सर्वर जो हमें डेटा भेज रहा होता है वो उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में एक्चुअल वेब ऑब्जेक्ट या वेब पेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी आ जाती है, यानी मैंने अगर रिक्वेस्ट भेजी है तो सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट भेजनी है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट मिल गई है, और एट द सेम टाइम सर्वर जो मुझे डेटा भेज रहा है यानी वेब ऑब्जेक्ट है तो मैंने उसे एक्नॉलेज करना है कि मुझे वेब ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। तो पिगी बैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप एक ही पैकेट के अंदर डेटा भी सेंड कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर सकते हैं। यानी इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि सेंडर ने पैकेट जीरो भेजा है और उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट जीरो भी भेज दिया है, जब वो रिसीव हुआ है तो इन दैट केस बी ने अपनी तरफ से भी एक डेटा पैकेट भेजा है विच इज फ्रेम जीरो, और साथ ही जो फ्रेम जीरो रिसीव हुआ था उसे उसको उसने एक्नॉलेज किया यूजिंग फ्रेम वन। तो ये पिगी बैकिंग का कॉन्सेप्ट है कि दोनों सेंडर और रिसीवर जो है आपके एक ही पैकेट में एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकते हैं और उसी पैकेट के अंदर वो एक्चुअल डेटा भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, अब अगला जो पॉइंट है वो है कि पिछले एग्जांपल में हमने बेसिकली अभी तक जितना भी काम किया है वो राउंड ट्रिप टाइम्स की बात हो रही है कि आपका एक पैकेट सेंड हुआ और एक राउंड ट्रिप टाइम के बाद उसका एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है, ठीक है। तो जो वेटिंग जो टाइम आउट पीरियड होता है जिसका इंतजार करता है सेंडर वो कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर वो राउंड ट्रिप टाइम से यानी वो एग्जैक्ट राउंड ट्रिप टाइम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि राउंड ट्रिप टाइम जो है आपकी एक डायनामिक वैल्यू होती है, वो हर दफा वेरी कर रही होती है।
यानी इट इज पॉसिबल कि अभी मैंने एक पैकेट भेजा है तो लेट सपोज 100 मिलीसेकंड के बाद मुझे रिस्पांस आ जाती है, अगला पैकेट भेजा है तो लेट सपोज 150 मिलीसेकंड के बाद रिस्पांस आए क्योंकि अंडरलाइन नेटवर्क पे कंजेशन ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो एग्जैक्ट राउंड ट्रिप टाइम तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगली चीज क्या है कि अगर आप बहुत शॉर्ट वेटिंग पीरियड रखेंगे टाइम आउट पीरियड, तो इन दैट केस मसला क्या होगा प्री मेच्योर टाइम आउट्स का, यानी आपने एक पैकेट सेंड किया है और उसकी रिस्पांस आ जानी थी, पर क्योंकि आपका वेटिंग पीरियड इतना छोटा था तो आपने उसकी रिस्पांस आने से पहले ही उस पैकेट को रिट्रांसमिट कर दिया। तो बहुत छोटे टाइम आउट पीरियड का प्रॉब्लम होती है कि अननेसेसरी रिट्रांसमिशन होती है और आपकी बैंडविड्थ जाया होती है। बहुत लंबा अगर टाइम आउट पीरियड होगा तो इन दैट केस प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका एक पैकेट आपने सेंड किया है, अब आप बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उसकी रिस्पांस आए, और उसकी रिस्पांस नहीं आती तो फिर बहुत देर के बाद आप रिएक्ट करेंगे। तो इतना स्लो रिएक्शन टाइम अगर आपका हुआ तो इसमें मसला क्या होता है कि आपकी थ्रूपुट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। यानी मैं एक बहुत ही क्रूड किस्म का अगर एग्जाम्पल दूँ तो लेट सपोज मैंने एक पैकेट सेंड किया है और उसका टाइम आउट पीरियड मैंने एक दिन का रख लिया, तो ऑब्वियसली ये एब्सर्ड सा टाइम आउट पीरियड है। अब मैं एक पूरे दिन का 24 घंटे का इंतजार करूंगा और उसमें अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती फिर वो पैकेट रिट्रांसमिट करूंगा, तो दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो आपका राउंड ट्रिप टाइम जो है वो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेटिंग पीरियड सॉरी। और ये वेटिंग पीरियड हम जब TCP का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि टाइम आउट पीरियड कैसे डिटर्मिन किया जाता है। ओके, तो अगला सवाल है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। ऑलराइट क्लास, तो इस अप्रोच में जो मसला है वो बेसिकली कि आपकी बैंडविड्थ जाया होती है। क्यों जाया होती है? क्योंकि आपने एक पैकेट ट्रांसमिट किया है, अब आप उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आने का इंतजार कर रहे हैं, यानी उस टाइम पे आप काफी ज्यादा और पैकेट ट्रांसमिट कर सकते थे पर आपने नहीं किया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी वेस्टेज का मसला है कि आपकी वो सारी बैंडविड्थ जाया हो रही है। यानी इस एग्जाम्पल में देखें तो आपका L over R टाइम जो है वो एक पैकेट ट्रांसमिट करने में लगा है। L over R का क्या मतलब है कि लेंथ डिवाइडेड बाय जो रेट है, यानी बैंडविड्थ जो है लिंक की, ठीक है। तो इतना आपका ट्रांसमिशन टाइम है जो कि पैकेट ट्रांसमिट करने में लगा है। उसके बाद आपने एक राउंड ट्रिप टाइम इंतजार किया है ताकि उस टाइम के अंदर आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाए। लेट्स सपोज कि एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट जो है उसका साइज जो है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल लिंक यूटिलाइजेशन कितनी हुई है, तो वो बेसिकली एल ओवर आर टाइम आपने ट्रांसमिट किया है आउट ऑफ कितना टाइम, टोटल टाइम कितना था, राउंड ट्रिप टाइम प्लस एल ओवर आर, यानी ये आपकी यूटिलाइजेशन है, ठीक है। यानी एग्जांपल दें कि लेट सपोज आपका राउंड ट्रिप टाइम 9 सेकेंड्स का था और आपका ट्रांसमिशन टाइम 1 सेकेंड का था, तो बेसिकली आपने 1 सेकेंड आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 10 सेकेंड ट्रांसमिशन की है। तो आपकी यूटिलाइजेशन क्या हुई है, 1 divided by 10 विच इज 0.1, या उसे आप 10% भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 10% आपकी यूटिलाइजेशन हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टॉप एंड वेट की प्रोटोकॉल है कि आपकी लिंक यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम होती है। अब इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि आप जो है सेंडर को इजाजत होती है कि एक पैकेट की बजाय वो मल्टीपल पैकेट्स एक ही वक्त पे इकट्ठे भेज देगा और फिर उनके एक्नॉलेजमेंट आने का इंतजार करेगा, ठीक है। तो इन दैट केस आपका सीक्वेंस नंबर जो है, पहली बात तो ये है कि आपके स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सीक्वेंस नंबर 0 और 1 नहीं होता था, पर अब जो है आपके सीक्वेंस नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा कि जितने आपने पैकेट इकट्ठे सेंड करने हैं, यानी अगर आपने मल्टीपल पैकेट सेंड करने हैं, 10 पैकेट सेंड करने हैं, तो ऑब्वियसली आपका सीक्वेंस नंबर 0 से 9 तक होना चाहिए। अगर आप 0-1 ही सीक्वेंस नंबर रखते हैं तो मसला क्या होगा कि आप 10 पैकेट भेज देंगे, उनमें से 5 पैकेट का नंबर 0 होगा और 5 पैकेट का सीक्वेंस नंबर 1 होगा, और अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव होते हैं तो रिसीवर को नहीं पता लगेगा कि इनमें से कौन सा वाला 1 पहले वाला 1 है, कौन सा वाला 1 बाद वाला वन है इन द सीक्वेंस। तो इसलिए आपको सीक्वेंस नंबर ज्यादा करने पड़ते हैं। दूसरी चीज है कि आपको बफरिंग भी करनी पड़ती है सेंडर और रिसीवर एंड पे, ताकि अगर कोई पैकेट लॉस हुआ है
और बाकी पैकेट रिसीव हो गए हैं तो वो फिर आप बफर कर सकें और सिर्फ लॉस्ट पैकेट को आप दोबारा से रिक्वेस्ट कर दें। तो पाइपलाइनिंग के दो जो ब्रॉड लेवल पे प्रोटोकॉल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक गो बैक एन है और एक सिलेक्टिव रिपीट है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और पहले आप देख लें कि पाइपलाइनिंग जो है यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कैसे करती है। तो नंबर वन, पिछले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक ही पैकेट सेंड किया था, ठीक है, और उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आने का इंतजार किया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक की बजाय तीन पैकेट इकट्ठे सेंड कर देते हैं और फिर उसकी जो है एक्नॉलेजमेंट आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब बेसिकली जो आपकी यूटिलाइजेशन की इंप्रूवमेंट हो रही है वो आप देख रहे हैं कि पहले एक पैकेट था, अब थ्री टाइम्स दैट हो रही है, यानी और आप एक की बजाय थ्राइस दैट ट्रांसमिशन टाइम आप ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है और बाकी टाइम जैसे जाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। पर अगला पार्ट ये है कि पाइप का साइज कितना होना चाहिए, यानी अभी तो मैंने आर्बिट्रेरिली कह दिया ना कि शुरू में एक पैकेट था, अब आप तीन पैकेट ट्रांसमिट कर दें, कोई कह सकते हैं कि चार कर दें, कोई कह सकते हैं पांच छह कर दें, तो एग्जैक्ट नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट होती क्या है, सिंपली आपका जो पाथ की बैंडविड्थ है मल्टीप्लाई बाय द राउंड ट्रिप टाइम। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बैंडविड्थ 1 गीगाबिट पर सेकेंड है पाथ की एंड टू एंड और राउंड ट्रिप टाइम 1 सेकेंड है, तो बीडीपी आपकी क्या होगी, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, विच वुड बी 1 गीगाबिट, ठीक है। यानी 1 गीगाबिट पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड रिजल्ट वुड बी 1 गीगाबिट। ये आपकी बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है। इस वैल्यू की इतनी सिग्निफिकेंस क्या है, तो बीडीपी बेसिकली आपको बताती है कि आप इतना डेटा अगर ट्रांसमिट करेंगे एट एनी गिवन टाइम तो आपका पाथ जो है वो फुली यूटिलाइज होगा। अगर आप इससे कम पैकेट सेंड करेंगे तो आपका पाथ जो है, आपका लिंक जो है वो अंडर यूटिलाइज जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है, कॉन्सेप्ट है। यानी अगर पिछले एग्जाम्पल में आपके सेंडर से लेके रिसीवर तक अगर आपका राउंड ट्रिप टाइम 1 सेकेंड था और आपकी बैंडविड्थ 1 गीगाबिट पर सेकेंड थी, तो अगर आपका सेंडर 1 गीगाबिट्स ट्रांसमिट कर देता है और फिर एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करता है, तो वो बेसिकली लिंक को 100% यूटिलाइज कर रहा होगा। अगर वो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट से कम डेटा सेंड करता है और फिर एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करना बैठ जाता है, तो इन दैट केस आपकी लिंक की 100% यूटिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। अगर आप पैकेट की टर्म में बात करना चाहें, क्योंकि लिटरेचर में आप जब बीडीपी की बात करते हैं तो यूजुअली पैकेट की टर्म में भी बात करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होगा कि आप बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट कैलकुलेट करें और उसे डिवाइड कर दें साइज ऑफ पैकेट्स के साथ, और ये पैकेट साइज जो है ये नंबर ऑफ बिट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट दे देगा इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स। क्लास, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो क्लास, अगला जो हम प्रोटोकॉल करेंगे, अब हम एक क्लास ऑफ प्रोटोकॉल पे मूव कर रहे हैं विच इज स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स, और उसमें जो हम पहले एग्जांपल देखेंगे दैट इज गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो गो बैक एन में क्या होता है कि आपका सेंडर जो है एट एनी गिवन टाइम वो एन अनएक्ट पैकेट ट्रांसमिट कर सकता है, यानी उसकी पाइपलाइन में एन पैकेट होंगे जिसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, ठीक है। रिसीवर क्या करता है, वो पैकेट्स की क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है, यानी अगर एक्नॉलेजमेंट 10 है तो इसका मतलब है रिसीवर सेंडर को बता रहा है कि पैकेट नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ये सारे के सारे मैं रिसीव कर चुका हूं। और अगर रिसीवर को कोई गैप मिलता है, यानी पैकेट 2 रिसीव हुआ है उसके बाद पैकेट 4 रिसीव हुआ है, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट जो है, यानी पैकेट नंबर 4 है, उसे ड्रॉप कर देगा और साथ वो एक्नॉलेजमेंट 2 भेज देगा, विच मीन्स कि वो सेंडर को बता रहा है कि मुझे पैकेट नंबर 2 तक मिल गए हैं, उसके बाद मुझे कोई पैकेट ठीक से नहीं मिला, या अगर मिला है तो आउट ऑफ ऑर्डर है जिसे मैंने वैसे ही ड्रॉप कर दिया। और सेंडर एंड पे क्या होता है कि एक टाइमर होगा ओल्डेस्ट अनएक्नॉलेज्ड पैकेट का, ठीक है, यानी पहला जो उसने पैकेट भेजा था सबसे पुराना,
उसके लिए वो टाइमर ऑन करेगा। अब जैसे ही उसका टाइमर एक्सपायर करता है और उस पीरियड के अंदर अंदर उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हुई, तो सेंडर क्या करेगा कि वो पैकेट और उसके बाद वाले जितने पैकेट थे उन सारों को रिट्रांसमिट दोबारा से कर देगा। ठीक है, इसकी एक वर्किंग देखें। तो लेट्स सपोज आपका सेंडर का विंडो साइज 4 है, विच मीन्स कि एट एनी गिवन टाइम आपका सेंडर जो है 4 पैकेट भेज सकता है अनएक्नॉलेज, और फिर उसे एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, सेंडर पैकेट 0 भेजता है, रिसीवर को पैकेट 0 रिसीव होता है, रिसीवर जो है पैकेट 0 का जो डेटा है वो एप्लीकेशन को दे देगा और साथ ही एक्नॉलेजमेंट 0 भेज देगा, विच मीन्स कि मैं पैकेट नंबर 0 को एक्नॉलेज कर रहा हूँ। स्टॉप एंड वेट में हमने देखा था कि एक्नॉलेजमेंट अगले वाले पैकेट की यानी एक्सपेक्टेड पैकेट की थी, यानी पैकेट 0 रिसीव हुआ है तो स्टॉप एंड वेट में एक्नॉलेजमेंट 1 भेजी जाती थी कि मैं पैकेट 1 का इंतजार कर रहा हूँ, पर इन दिस केस अगर पैकेट 0 रिसीव हुआ है तो एक भी 0 ही होगी, विच मीन्स कि मैं अब पैकेट 0 को एक्नॉलेज कर रहा हूँ, वो मुझे मिल गया है। सिमिलरली पैकेट 1 रिसीव हुआ है तो वो भी एप्लीकेशन लेयर को रिसीवर दे देगा और एट द सेम टाइम उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, वो ट्रांसमिट कर देगा कि मुझे पैकेट 1 रिसीव हो गया। लेट सपोज पैकेट 2 जो है वो लॉस हो गया, और लेट सपोज पैकेट 3 जो है वो रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ है, तो अब रिसीवर क्या करेगा कि वो देखेगा कि पैकेट 3 जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, मैं पैकेट 2 का इंतजार कर रहा था, तो रिसीवर क्या करेगा, वो पैकेट 3 को ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, एप्लीकेशन को नहीं देगा और साथ ही वो एक्नॉलेजमेंट 1 को रीसेंड कर देगा, विच मीन्स कि वो सेंडर को बता रहा है कि पैकेट नंबर 1 तक मुझे सारे रिसीव हो चुके हैं, उसके बाद मुझे पैकेट या तो नहीं रिसीव हुआ या फिर आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुआ। ठीक है, ऑल राइट, वापस सेंडर पे आ जाएं। इस टाइम में सेंडर के पास पैकेट 4 भी आया है, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, सॉरी पैकेट 0 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है तो उसने पैकेट 4 ट्रांसमिट कर दिया क्योंकि उसका जो विंडो था वो एक आगे शिफ्ट हो गया। पैकेट जब 0 एक्नॉलेज हुआ है तो दैट मींस कि अब उसका विंडो एक आगे शिफ्ट किया है, अब वो एक नए पैकेट को ट्रांसमिट कर देता है, तो दैट पैकेट वुड बी पैकेट नंबर 4। जब पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है तो वो विंडो एक और आगे शिफ्ट कर देगा, विच मीन के 2, 3, 4, 5 ये थ्रेटिकली सेंड कर सकते हैं, 2 और 3 पैकेट ऑलरेडी सेंड कर दिए हुए थे, पैकेट 4 भी उसने अभी अभी सेंड किया है, तो अब पैकेट 5 रह गया है, वो पैकेट 5 को सेंड कर देगा। ठीक है, ओके, अब वो इंतजार कर रहा है पैकेट नंबर 2 की एक्नॉलेजमेंट आने का। जब तक पैकेट नंबर 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आती वो विंडो आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो है पैकेट 4 और 5 लेट सपोज रिसीवर एंड पे रिसीव होते हैं, रिसीवर उन दोनों पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि वो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुए हैं, और फिर वो एक्नॉलेजमेंट 1 ट्रांसमिट कर देगा, री ट्रांसमिट के बेसिकली वो सेंडर को कह रहे हैं यार मुझे अभी तक पैकेट 1 ही सही रिसीव हुआ है और उससे पहले वाले, पैकेट 1 के बाद जो है कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, कोई मसला हुआ है। ठीक है, ओके, अब क्या होगा, सेंडर जो है वो पैकेट 2 के एक्नॉलेजमेंट का इंतजार कर रहा था एक टाइम आउट पीरियड तक। अब जैसे ही टाइम आउट पीरियड हुआ है, यानी पीरियड वो वेटिंग जो थी वो खत्म हो गई है, तो सेंडर समझ जाएगा कि पैकेट 2 के साथ कोई मसला हो गया है, और साथ ही वो ये भी समझ जाएगा कि पैकेट 2 के बाद वाले जो भी पैकेट हैं 3, 4, 5 जो कि इससे ट्रांसमिट किए थे वो रिसीवर ने डिस्कार्ड ही कर दिए होंगे, क्योंकि रिसीवर का बिहेवियर ये है कि अगर कोई पैकेट रिसीव नहीं हुआ और उसके बाद कोई आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव हुए तो उन सारों को डिस्कार्ड कर देता है। तो इसलिए सेंडर क्या करेगा कि वो पैकेट 2 को रिट्रांसमिट कर देगा और एट द सेम टाइम पैकेट 3, 4, 5 को भी रिट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि रिसीवर ने 3, 4, 5 को भी इग्नोर कर दिया होगा। खैर, तो ये सारे पैकेट ट्रांसमिट कर देगा दोबारा से। अब लेट सपोज रिसीवर को ये सारे पैकेट रिसीव हो गए इन ऑर्डर, तो रिसीवर इन पैकेट्स को एप्लीकेशन को देगा 1 by 1 और साथ ही इनकी एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करता जाएगा, और जून जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती जाएगी सेंडर विंडो को एक आगे शिफ्ट करता जाएगा और एक नया पैकेट ट्रांसमिट करता जाएगा। ठीक है, तो ये गो बैक है, इनका बिहेवियर है। याद रहे कि सेंडर विंडो का साइज जो है वो एन होगा, यानी एन पैकेट वो भेज सकते हैं बिफोर वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट।
रिसीवर विंडो साइज ऑलवेज वन होगा, क्योंकि वन का मतलब है कि रिसीवर सिर्फ एक ही पैकेट को सेव करेगा, और वो पैकेट वो है जो कि इन ऑर्डर रिसीव हुआ है। जैसे इन ऑर्डर पैकेट रिसीव हुआ है, रिसीवर अपने बफर में उसे स्टोर करेगा और अपने बफर से उसे एप्लीकेशन को दे देगा। रिसीव विंडो साइज वन से ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर पैकेट वन रिसीव, अगर इन ऑर्डर पैकेट रिसीव हुआ है तो वो तो एक विंडो साइज में फिट आ जाएगा। अगर आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुआ है तो उसे तो रिसीवर वैसे ही सेव नहीं करता, उसे वैसे ही डिस्कार्ड कर देता है। तो एट एनी गिवन टाइम रिसीवर सिर्फ एक ही पैकेट सेव करता है, और वो पैकेट होता है जो कि इन ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो इसलिए रिसीव विंडो साइज कभी एक से ज्यादा नहीं होता। अगला पॉइंट है कि हम जब गो बैक एन में सीक्वेंस, सॉरी स्टॉप एंड वेट में जब सीक्वेंस नंबर्स की बात कर रहे थे, तो वो सीक्वेंस नंबर या जीरो था या वन था। गो बैक एन में जो सीक्वेंस नंबर होता है वो बेसिकली, अगर विंडो साइज फोर है तो दैट मीन्स कि आपका सीक्वेंस नंबर जो है वो जीरो वन टू थ्री तक होगा, और उसके बाद मॉड्यूलो एन नंबरिंग है, यानी जीरो वन टू थ्री के बाद दोबारा से जीरो हो जाएगा, फिर वन टू थ्री, फिर दोबारा जीरो वन एंड सो ऑन। और अगला पार्ट ये कि साइज ऑफ सेंडिंग विंडो जो है दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस नंबर्स ऑफ द आउटबाउंड फ्रेम। इस चीज का क्या मतलब है कि अगर आपका सीक्वेंस नंबर जो है वो एन बिट फील्ड है, ठीक है, तो दैट एन बिट्स का मतलब है कि अगर आपका सीक्वेंस नंबर जो रेंज होगी वो जीरो से लेके टू पावर एन माइनस वन तक हो सकती है। यानी अगर आपके सीक्वेंस नंबर की फील्ड जो है वो दो बिट है, तो दो बिट का मतलब है कि आपके जो सीक्वेंस नंबर जो पॉसिबल है वो होंगे जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। या अगर सिंपलर टर्म से बात करें तो जीरो वन टू और थ्री जो है वो अलाउड नंबर्स हैं। अब अगला एक रूल है जो कि आपने याद रखना है कि सेंडिंग विंडो साइज कैन नॉट बी मोर देन टू पावर एन माइनस वन। क्यों? तो इसके लिए हम अगला फिगर देखते हैं। अगले फिगर में क्या हो रहा है कि लेट सपोज, पहला जो एग्जांपल है, लेट सपोज कि आपका सीक्वेंस नंबर जो है वो टू बिट फील्ड है, दैट मींस कि आपका सीक्वेंस नंबर जो है वो जीरो से लेके टू पावर एम माइनस वन तक हो सकते हैं, यानी जीरो, वन, टू और थ्री। और पिछली स्लाइड में हमने जो रूल स्पेसिफाई किया था वो ये था कि विंडो साइज कैनॉट बी मोर देन टू पावर एम माइनस वन, यानी विंडो साइज थ्री से ज्यादा नहीं होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर है उसमें आप देखें क्या हो रहा है। उसमें सेंडर का विंडो साइज थ्री है, तो वो पैकेट जीरो वन और टू को ट्रांसमिट कर देता है, और अब वो इंतजार कर रहे हैं पैकेट रिसीव, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने का। लेट सपोज पैकेट जीरो रिसीव हो गया, रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी। पैकेट वन रिसीव हो गया, रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी। पैकेट टू रिसीव हो गया, रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी, और रिसीवर ने इन तीनों पैकेट्स को जो रिसीव हुए थे इन ऑर्डर, उसका डेटा एप्लीकेशन लेयर को भी सेंड कर दिया। ओके, मसला क्या है? लेट सपोज कि तीनों की तीनों एक्नॉलेजमेंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो गई हैं। अब क्या होगा? सेंडर जो है पैकेट जीरो की एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करेगा टाइम आउट पीरियड तक। अगर वो एक्नॉलेजमेंट उस टाइम पे नहीं रिसीव हुई तो रिसीवर क्या, सॉरी सेंडर क्या करेगा, सेंडर उस पैकेट को और उसके बाद वाले जितने भी पैकेट विंडो अलाउ करता है उन सारों को रीट्रांसमिट कर देगा, यानी पैकेट जीरो, वन और टू को जो है रीट्रांसमिट कर देगा। अब क्या होगा? पैकेट जीरो रिसीवर पे रिसीव होगा, रिसीवर समझ जाएगा कि मैं तो पैकेट नंबर थ्री का इंतजार कर रहा हूं, पैकेट नंबर जीरो वन टू तो मैंने पहले रिसीव कर लिए थे, तो मोस्ट ऑफली ये डुप्लीकेट है, वो उसे रिजेक्ट करके रिजेक्ट कर देगा। सिमिलरली पैकेट वन जब रिसीव होगा तो रिसीवर समझ जाएगा कि ये भी डुप्लीकेट है, वो उसे भी रिजेक्ट कर देगा और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। पैकेट नंबर टू जो है वो जब रिसीव होगा तो रिसीवर को समझ जाएगा कि ये भी डुप्लीकेट है, तो वो उसे भी रिजेक्ट कर देगा और साथ ही एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि ये पैकेट तो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो खैर, जैसे ही पैकेट नंबर टू की एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाएगी सेंडर को, सेंडर को समझ आ जाएगी कि मैंने जितने भी पैकेट भेजे वो बेसिकली डुप्लीकेट ही थे, तो वो एक्नॉलेजमेंट टू आने पे वो पैकेट नंबर थ्री ट्रांसमिट कर देगा। अब पैकेट नंबर थ्री जब रिसीव होगा तो रिसीवर को समझ आ जाएगी कि ये पैकेट है जिसका मैं
इंतजार कर रहा था, तो वो इस पैकेट को रिसीव करेगा, एप्लीकेशन को उसका डेटा देगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर को, और फिर जो रिसीवर विंडो है वो स्लाइड आगे कर देगा, यानी अब वो स्लाइड कर देगा 3 की बजाय 4 पे, कि मैं अब पैकेट नंबर 4 का इंतजार कर रहा हूँ, या फिर नंबरिंग 0123 से थी तो वो दोबारा से 0 पे आ जाएगा कि अब मैं पैकेट नंबर 0 का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है क्लास, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बिहेवियर ठीक है, अगर आपका कोई डुप्लीकेट पैकेट रिसीव हुआ है तो रिसीवर को समझ आ गई है कि वो डुप्लीकेट है और वो उसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लेट सपोज हमने इस विंडो साइज रूल को फॉलो नहीं किया और हमने कह दिया कि विंडो साइज जो है वो 4 हो सकता है। अब राइट हैंड साइड पर जो फिगर है उस पर आ जाए, सेंडर क्या कर रहा है, पैकेट 0 सेंड कर रहा है, पैकेट 1 सेंड कर रहा है, पैकेट 2 सेंड कर रहा है और 3 सेंड कर रहा है। ठीक है, अब वो इंतजार कर रहे एक्नॉलेजमेंट का। रिसीवर एंड पे क्या होता है, पैकेट 0 रिसीव हुआ है, रिसीवर ने डेटा जो है वो एप्लीकेशन को दे दिया, एक्नॉलेजमेंट जो है सेंडर को भेज दी और विंडो जो है वो आगे मूव कर दिया, यानी रिसीवर बेसिकली आप पैकेट 1 का इंतजार कर रहा है। सेंडर की तरफ से पैकेट 1 रिसीव हुआ है, रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, डेटा जो है एप्लीकेशन को दे देगा और जो विंडो है उसे एक आगे स्लाइड कर देगा, यानी मैं अब पैकेट नंबर 2 का इंतजार कर रहा हूँ। पैकेट 2 जब रिसीव हुआ है तो एक्नॉलेजमेंट भी देगा, एप्लीकेशन को डेटा भी दे देगा और साथ ही विंडो जो है आगे मूव कर देगा, यानी मैं पैकेट नंबर 3 का इंतजार कर रहा हूँ। पैकेट नंबर 3 जब रिसीव हुआ है तो अब वो उसे एक्नॉलेज भी करेगा, रिसीवर को एप्लीकेशन डेटा भी दे, एप्लीकेशन को डेटा भी दे देगा और साथ ही वो विंडो को एक आगे स्लाइड कर देगा, विच मीन्स कि मैं अब पैकेट नंबर 0 का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट, कंफ्यूजन कहाँ पे हुई है, लेट सपोज एक्नॉलेजमेंट 0, एक्नॉलेजमेंट 1, एक्नॉलेजमेंट 2, एक्नॉलेजमेंट 3 सारी की सारी लॉस हो गई। सेंडर टाइम आउट पीरियड तक इंतजार करेगा, उसके बाद वो पैकेट नंबर 0123 को दोबारा से ट्रांसमिट कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा। अब जब पैकेट 0 रिसीव होगा तो इस एग्जाम्पल में मसला क्या है कि रिसीवर जो है पैकेट नंबर 0 एक्सपेक्ट कर रहा था पर सीक्वेंस में अगले वाले पैकेट 0 को, डुप्लीकेट वाले को नहीं है, पर ये डुप्लीकेट ही रिसीव हो रहा है तो रिसीवर समझेगा कि ये शायद उस स्ट्रीम का अगला वाला पैकेट नंबर 0 है, तो इसलिए वो इस पैकेट को और इसके बाद जो पैकेट रिसीव हुए हैं उन सारों को एप्लीकेशन को दे देगा। तो मसला क्या है, रिसीवर बेसिकली एप्लीकेशन को डुप्लीकेट डेटा दे रहा है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे फिगर था उसमें क्या था, क्योंकि विंडो साइज 0.1.2 तक ही जा रहा था तो अब अगर 0.1.2 दोबारा से डुप्लीकेट ट्रांसमिट करता था सेंडर, तो बात क्या है कि रिसीवर क्योंकि पैकेट नंबर 3 का इंतजार कर रहा है तो रिसीवर को पता था कि यहाँ पे 0.1.2 जो है ये डुप्लीकेट्स हैं। पर राइट हैंड साइड फिगर में क्या हो रहा है कि क्योंकि 0.1.2.3 सारी सेंड हो गए तो अब अगर रिसीवर जो है पैकेट नंबर 0 का इंतजार कर रहा है तो वो अगले वाले 0 का इंतजार कर रहा है, पर क्योंकि रिसीवर की एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंडर तक पहुंची तो सेंडर पिछले वाले 0 को दोबारा सेंड कर देगा, विच इज एक्चुअली डुप्लीकेट पैकेट। तो इसकी वजह से आपका डुप्लीकेट में डिसर्न करना मुश्किल है रिसीवर के लिए, ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए टू इंश्योर कि इस तरह का सिनेरियो ना अकर करे, आप रूल बना देते हैं कि अगर आपके सीक्वेंस नंबर 0 से लेकर 2m-1 तक है तो आपका विंडो साइज जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 2m-1, ये आपका रूल है। अगर ये रूल फॉलो कर रहे हैं तो ये कंफ्यूजन अकर नहीं करेगी। बस आखिरी जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली सिलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है, यानी गो बैक एंड में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आपका कोई पैकेट लॉस हुआ है और उसके बाद वाले सारे पैकेट रिसीव हो भी गए हैं तो गो बैक एंड के केस में क्या होता है कि जो पैकेट लॉस हुआ है वो और उसके बाद वाले सारे पैकेट जो है वो ट्रांसमिट दोबारा करेगा, चाहे रिसीव हुए हो चाहे ना। ठीक है, तो ये गो बैक एंड में मसला है कि आपकी नीडलेस रीट्रांसमिशन हो रही है। ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए था कि जो पैकेट रिसीव नहीं हुआ सिर्फ वही पैकेट ट्रांसमिट हो और जो रिसीव हो गए उन्हें रीट्रांसमिट ना करें। ठीक है,
पर हर अप्रोच के अपने फायदे और प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. फायदा क्या है कि अजम्पशन होती है गो बैक एंड में कि अगर एक पैकेट लॉस हुआ है तो चांसेस आ कि क्लस्टर लॉस होगी, उसके बाद वाले भी लॉस हुए होंगे. तो रादर देन के उनकी एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करने के मैं सारों को ट्रांसमिट कर दूँ, टाइम बच जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं. दूसरा फायदा है कि रिसीवर जो है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है. खैर, पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो पैकेट लॉस हुआ है सिर्फ वही रिट्रांसमिट हो और जो पैकेट ठीक से रिसीव हुआ है वो रिट्रांसमिट ना हो, तो इन दैट केस आप सिलेक्टिव रिपीट ARQ इस्तेमाल करते हैं. इसमें क्या होता है कि रिसीवर इंडिविजुअली हर करेक्टली रिसीव पैकेट को एक्नॉलेज करता है. ठीक है, और रिसीवर एंड पे बफर होगा कि अगर कोई पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुआ है तो वो उसे बफर में सेव कर देगा टिल सच टाइम कि उसे जो बाकी के पैकेट थे जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुए थे वो रिसीव हो जाए. जैसे ही सारे के सारे पैकेट इन ऑर्डर रिसीव हो गए, बफर पे इकट्ठे हो गए, अब रिसीवर क्या करेगा, उन सारे पैकेट्स को ट्रांसमिट दे देगा अपनी एप्लीकेशन लेयर को. ठीक है, और बफर खाली हो जाएगा और वो फिर बाकी के पैकेट का इंतजार करेगा. सेंडर एंड पे बिहेवियर कैसे चेंज करते हैं कि सेंडर एंड पे रिसीवर जो सेंडर है वो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करेगा और जो पैकेट एक्नॉलेज नहीं हुआ सिर्फ और उस पैकेट का टाइम आउट हो गया है, सिर्फ उसी पैकेट को रिट्रांसमिट करेगा, बाकी पैकेट को रिट्रांसमिट नहीं करेगा. इसका बिहेवियर देखें तो लेट सपोज आपका विंडो साइज 4 है, सेंडर एंड पे क्या हो रहा है, पैकेट नंबर 0123 जो है उसे ट्रांसमिट कर दिया. अब वो एक्नॉलेजमेंट का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि विंडो साइज 4 है तो पांचवा पैकेट तब तक नहीं भेज सकता जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती. अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, जैसे ही पैकेट 0 रिसीव होता है वो एप्लीकेशन को डेटा दे देगा और पैकेट 0 को एक्नॉलेज कर देगा और बफर से वो खाली हो जाएगा. अब पैकेट 1 रिसीव हुआ है तो वो एप्लीकेशन को डेटा दे देगा, बफर को खाली कर देगा और एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड कर देगा. लेट सपोज पैकेट 2 लॉस हो गया, अब पैकेट 3 जो है वो रिसीव हुआ है, तो अब क्या होगा, बफर जो है पैकेट 3 को, जो रिसीवर है वो पैकेट 3 को बफर कर लेगा और एक्नॉलेजमेंट 3 भेज देगा. यानी वो कह रहा है कि मुझे पैकेट 3 मिल गया, पैकेट 2 की अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी. खैर, आगे आ जाए, सेंडर एंड पे आ जाए. अब जैसे ही पैकेट 0 और 1 के एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई थी तो विंडो जो है वो एक एक आगे स्लाइड करेगा, विच मीन कि पहले अगर 0123 सेंड करके वो इंतजार कर रहा था, अब वो विंडो एक आगे स्लाइड करेगा और पैकेट 4 ट्रांसमिट कर देगा. अगली एक आई है तो विंडो एक और आगे शिफ्ट करेगा और पैकेट 5 भी ट्रांसमिट कर देगा और अब वो इंतजार कर रहा है पैकेट 2 की एक्नॉलेजमेंट आने का. जब तक पैकेट 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आती अब विंडो फंस गया, क्योंकि जब तक 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आती वो विंडो एक आगे शिफ्ट नहीं कर सकता. और विंडो साइज क्योंकि 4 का है तो दैट मीन के 2, 3, 4, 5 से एक बार सेंड हो गया, अब वो इंतजार कर रहा है 2 के एक्नॉलेजमेंट आने का ताकि वो 6 तक जा सके. और पैकेट 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, और कब तक नहीं आई, वेटिंग पीरियड के टाइम आउट पीरियड तक. तो जैसे ही टाइम आउट होगा अब क्या होगा, टाइम आउट हुआ है, सेंडर समझ जाएगा कि पैकेट 2 टाइम आउट किया, दैट मीन के पैकेट 2 रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ, या फिर रिसीव अगर हो भी गया था तो उसकी एक्नॉलेजमेंट समाउ रिसीव नहीं हुई, तो क्या करेगा, वो पैकेट 2 को रिट्रांसमिट कर देगा. अब क्या होगा, अब जैसे ही पैकेट 2 रिसीवर एंड पे आएगा, रिसीवर जो है पैकेट 2 के डेटा को दे देगा एप्लीकेशन को, साथ ही वो देखेगा कि रिसीवर समझ जाएगा कि मेरे बफर में पैकेट 3, 4, 5 पहले से पड़े हुए थे और मैं 2 का इंतजार कर रहा था. अब जैसे ही 2 आ गया तो वो 2 भी दे देगा एप्लीकेशन को, 3 भी दे देगा, 4 भी दे देगा और 5 भी दे देगा. ठीक है, और बफर अब खाली हो गया. पर एक्नॉलेजमेंट जो वो भेजेगा वो सिर्फ पैकेट 2 की भेजेगा. क्यों, क्योंकि पैकेट 3, 4, 5 की तो एक्नॉलेजमेंट वो पहले ही भेज चुका था, क्योंकि इंडिविजुअल एक्नॉलेजमेंट्स हैं. जैसे ही डेटा रिसीव होते हैं वो उसको उसी वक्त एक्नॉलेज कर देता है. खैर, तो पैकेट 2 एक्नॉलेज कर देगा. अब क्या होगा, जैसे ही पैकेट 2 की एक्नॉलेजमेंट सेंडर एंड पे आती है, याद रखें सेंडर को 3, 4, 5 की एक्नॉलेजमेंट्स आ गई थी, वो इंतजार किसका कर रहा था, पैकेट 2 की एक्नॉलेजमेंट का, उसकी वजह से विंडो फंसा हुआ था. अब जैसे 2 की एक्नॉलेजमेंट आएगी
सेंडर समझ जाएगा कि 3, 4, 5 और 2 सारे के सारे एक हो चुके हैं, तो अब विंडो जो है वो एकदम से जंप करेगा 4 पोजिशन आगे, यानी अब जो है विंडो वो 6, 7, 8, 9 पे शिफ्ट कर जाएगा। और दैट मीन्स कि अब जो सेंडर है वो पैकेट नंबर 6 भेजेगा, पैकेट नंबर 7 भेजेगा, पैकेट नंबर 8 भेजेगा, और उसके बाद वाला जो पैकेट है वो भी भेजेगा, और अब जो है उनकी एक्नॉलेजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, और जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है वो रिज्यूम कर जाएगा। तो ये बेसिकली सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू है। तो अगली बात है, एक डायलेमा है, एक प्रॉब्लम है, अगर सिलेक्टिव रिपीट में सीक्वेंस नंबर लेट्स सपोज 0, 1, 2, 3 है, और लेट्स सपोज विंडो साइज 3 है, यानी गो बैक एन का हम रूल फॉलो कर रहे हैं कि अगर एम नंबर ऑफ बिट्स हैं तो सीक्वेंस नंबर 0 से लेके 2 पावर m-1 तक होंगे, और विंडो साइज जो है वो भी 2 पावर m-1 है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? लेट सपोज राइट पे आप देखें फिगर में आपका सीक्वेंस नंबर 0, 1, 2, 3 है और आपका विंडो साइज 3 है, तो क्या होगा? पैकेट नंबर 0 भेजा, पैकेट नंबर 1 भेजा, पैकेट नंबर 2 भेजा, ठीक है, रिसीव विंडो पे पैकेट 0 रिसीव हुआ तो उसने विंडो आगे शिफ्ट कर दिया, पैकेट 1 रिसीव हुआ उसने आगे शिफ्ट कर दिया, पैकेट 2 रिसीव हुआ उसने आगे शिफ्ट कर दिया। अब जो है रिसीवर 3, 0 और 1 का इंतजार कर रहा है, ठीक है, ओके। अब जैसे ही पैकेट 0 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है सेंडर एंड पे, उसने पैकेट 3 भेज दिया, अब वो लॉस हो गया। अब पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है तो उसने क्या किया, अगला पैकेट जो विंडो के बाहर था और अब विंडो में आ गया, यानी पैकेट 0, उसे ट्रांसमिट कर दिया। तो जब ये पैकेट 0 रिसीव होगा तो रिसीवर को पता है कि ये 0 कौन सा वाला 0 है और वो करेक्टली सही ऑर्डर में रिसीव हुआ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में कोई मसला नहीं हुआ, पर कंफ्यूजन किस सिनेरियो में होती है, इस फिगर को देखें। लेट्स सपोज पैकेट 0, 1 और पैकेट 2 तीनों के तीनों रिसीव हो गए हैं करेक्टली रिसीवर एंड पे, तो उसने क्या किया है, उसने तीनों पैकेट को रिसीव किया और विंडो को आगे शिफ्ट करी गया। अब पैकेट 0, 1, 2 जब रिसीव हुए तो वो किसका इंतजार कर रहे हैं, पैकेट नंबर 3 का, पैकेट नंबर 0 का और पैकेट नंबर 1 का। लेट सपोज तीनों के तीनों पैकेट जो है उनकी एक्नॉलेजमेंट जो भेजता है वो सारी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाती है, तो अब क्या होगा, पैकेट तो पहुंच गया पर उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर टाइम आउट पीरियड तक इंतजार करेगा और समझेगा कि पैकेट नहीं गए थे दूसरे एंड तक, तो वो पैकेट 0, 1, 2 को दोबारा से ट्रांसमिट कर देगा। अब क्या मसला हुआ है, अब जब पैकेट 0 रिसीव होगा रिसीवर एंड पे, तो ये वाला जो पैकेट 0 है ये असल में सबसे पहले वाला पैकेट 0 था, पर रिसीवर समझ जाए कि ये पैकेट वो पैकेट 0 है जो कि अगले वाला पैकेट 0 है, तो रिसीवर को नहीं पता चलेगा कि ये डुप्लीकेट है और वो इस पैकेट को एप्लीकेशन को दे देगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ आई है, यानी ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है कि अगर सेंडर ने अपना विंडो जो है वो सारे का सारा विंडो सेंड कर दिया है और वो सारे का सारा विंडो रिसीव हुआ है पर उस सारे के सारे विंडो की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, तो अब सेंडर क्या करेगा, टाइम आउट के बाद उस विंडो को दोबारा ट्रांसमिट कर देगा। अब रिसीवर अगले वाले पैकेट 0 का इंतजार कर रहा था, पर ये जो है सेंडर ने जो पैकेट 0 भेजा है वो तो पिछले वाला दोबारा भेज दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। तो इसकी सलूशन क्या है, इसकी सलूशन है, अच्छा इसकी वजह क्या है, बाय द वे वजह ये है कि सेंडर और रिसीवर को पता नहीं है, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, ठीक है, उन्हें पता नहीं है कि सेंडर एंड पे क्या हो रहा है, रिसीवर एंड पे क्या हो रहा है, वो ब्लाइंड है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि एक्नॉलेजमेंट में क्या नंबर आ रहा है और पैकेट में क्या नंबर आ रहा है, तो इस वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है। तो सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करता है कि वो कहते हैं कि विंडो साइज जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू हाफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ स्पेस साइज, ठीक है, यानी सीक्वेंस नंबर अगर 0, 1, 2, 3 थे तो आपका विंडो साइज जो है वो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी अब क्या होगा, अगर उसने 0, 1 अगर भेज भी दिया है
और 01 दोनों के दोनों रिसीव भी हो गए, उनकी एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई है, तो अब सेंडर किन दो पैकेट का इंतजार कर रहे हैं, 2 और 3 का। तो अगर 0 और 1 दोबारा आ जाते हैं तो रिसीवर को पता लग जाएगा कि ये 01 जो है ये पिछले वाले के डुप्लीकेट है, क्योंकि मैं तो 2 और 3 का इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो वो 01 को एक्नॉलेज कर देगा और कहेगा कि अगले वाले भेजो, मैं 2 3 का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, कि आपका सिलेक्टिव रिपीट ARQ जो है वो विंडो साइज इक्वल टू 2m-1 नहीं रखता, वो सेंडर साइज इक्वल टू 1/2 का सीक्वेंस नंबर रखता है, मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर, ताकि ये कंफ्यूजन अराइज ही ना करे।